हेलो, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। मेरी इंग्लिश यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब मैं आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ ए सेट ऑफ अजम्पशंस। स्ट्रक्चरल अप्रोच सेट ऑफ अजम्पशंस है, एक प्रकार का विचारों का सेट है जिनमें टीचर है वो स्टूडेंट्स को अलग अलग सेंटेंस पैटर्न्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वर्ड स्ट्रक्चर्स, फ्रेज स्ट्रक्चर सिखाता है ताकि बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन हो, बच्चे की आदत पड़े। सेंटेंस बनाने की और शब्द को बनाने की आदत उसे पड़े, इसके लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच सिखाया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए काइंड ऑफ अजम्पशन इन विच द टीचर टीच द सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न से सेलेक्टेड स्ट्रक्चरल पैटर्न सो दैट द चिल्ड्रन गेट द हैबिट फॉर्मेशन, ताकि बच्चों को हैबिट फॉर्मेशन हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच दिस, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। मैंने पहले भी टीचिंग मेथड और टीचिंग अप्रोच के वीडियो डाले हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। ओके, देखो, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल अप्रोच? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल 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 अप्रोच। ओरल ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ओरल ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। इस ओरल का मतलब होता है कंसर्निंग टू द ईयर, कानों से संबंधित, यानी सुनने, और इसका मतलब कंसर्निंग टू द माउथ, मुंह से संबंधित। सुनने और बोलने के अप्रोच के रूप में जाना जाता है। इसको सुनने बोलने वाले अप्रोच के रूप में जाना जाता है, यानी इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर मुख्य फोकस रहता है। लिसनिंग एंड ए स्पीकिंग, अलग अलग सेंटेंस को सुनना और अलग अलग सेंटेंस को बोलना, सुनने और बोलने वाले अप्रोच के रूप में भी जाना जाता है। ओरल ओरल अप्रोच के रूप में जाना जाता है, ओरल ओरल है ना, इस रूप में भी जाना जाता है इसको। आगे देखो, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स। हर भाषा के अपने सभी के पैटर्न हैं ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के विशेष नमूने हैं। पैटर्न होता है नमूना। ओके, स्ट्रक्चर के विशेष नमूने होते हैं हर भाषा में। हर भाषा में होते हैं कि सेंटेंस को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस का, है ना। तो हर भाषा के स्ट्रक्चर के पैटर्न होते हैं, स्ट्रक्चर के नमूने दिए हुए होते हैं। ओके, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ एन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो एक एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। आउटकम में से होता है परिणाम। स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो आउटकम है, परिणाम है एक्सपेरिमेंट से। कैरीड आउट, जो परिणाम, जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कैरीड आउट किए गए थे इन लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को पढ़ाने में, इन आर्मी कैंपस है, आर्मी कैंपस में भाषा को पढ़ाने के, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्मी कैंपस में, आर्मी कैंपस में भाषा को सिखाए जाने के जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो एक्सपेरिमेंट का परिणाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच। आर्मी कैंपस में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्मी कैंपस यूएसए में, है ना, इस आर्मी कैंपस में लैंग्वेज को सिखाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट का परिणाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच। यानी कि विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से सैनिक आ रहे हैं, उन सैनिकों के बीच में थोड़े स्ट्रक्चर सेंटेंस क्रिएट किए जाए ताकि वो अपनी कुछ बता सके, कुछ बोल सके, है ना। तो देखो, तो ये आर्मी कैंपस में विकसित हुआ था। मीनिंगफुल वर्ड्स आर यूज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्द आर यूज्ड, यूज किए जाते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर, विशेष क्रम में। विशेष क्रम में अर्थपूर्ण शब्दों का यूज किया जाता है इसमें। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर में याद करता क्रिया और क्रम, ऐसे क्रम में शब्दों का यूज किया जाता है इस पैटर्न में, इस स्ट्रक्चर में।
शब्दों का यूज किया जाता है, विशेष ऑर्डर में मीनिंगफुल शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, एवरी स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर इम्बोडीज एन इम्पोर्टेंट ग्रामर्टिकल पॉइंट। हर स्ट्रक्चर में इम्बोडी होता है, हर स्ट्रक्चर होता है उस इम्बोडीज होता है, धारण किया होता है एक इम्पोर्टेंट ग्रामर्टिकल पॉइंट। हर स्ट्रक्चर में बॉडी लिया होता है, हर स्ट्रक्चर होता है वो अपने में लिया होता है इम्पोर्टेंट ग्रामर्टिकल पॉइंट लिया हुआ होता है हर सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखो, ए सेंटेंस नीड्स ग्रामर्टिकल बैकग्राउंड। एक सेंटेंस को आवश्यकता होती है ग्रामर्टिकल बैकग्राउंड की, व्याकरणीय आधारशिला की आवश्यकता होती है। ये ग्रामर हो गई, पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो द ग्रामर्टिकल रूल। ये ग्रामर्टिकल रूल भी है कि कर्ता, क्रिया, कर्म। तो हर सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक ग्रामर्टिकल बैकग्राउंड होता है ना। देखो, हियर वर्ड्स आर यूज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ शब्द यूज होते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर, विशेष क्रम में शब्द को यूज किया जाता है। कन्वे दियर सेंस, अपना अर्थ देने के लिए, एंड मीनिंग, अपना मीनिंग देने के लिए। हियर वर्ड्स आर यूज, यहाँ शब्द यूज किए जाते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर, विशेष क्रम में। टू कन्वे दियर सेंस एंड मीनिंग, अपना अर्थ और सेंस देने के लिए विशेष क्रम में शब्दों का यूज किया जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से, स्ट्रक्चर्स आर टूल्स ऑफ लैंग्वेज। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टूल्स हैं, औजार हैं लैंग्वेज, भाषा के, है ना, भाषा के औजार हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ब्रिंगटन, ब्रिंगटन ये राइटर है, ब्रिंगटन क्या कहता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ब्रूटन कहता है स्ट्रक्चरल अप्रोच है साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, आधारभूत स्ट्रक्चर्स का, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश भाषा के जो आधारभूत स्ट्रक्चर्स हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो एक साइंटिफिक स्टडी है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का, आधारभूत स्ट्रक्चर्स का, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के जो आधारभूत स्ट्रक्चर्स हैं उनका साइंटिफिक अध्ययन है। देयर एनालिसिस, और उनका विश्लेषण, लॉजिकल अरेंजमेंट, उनका तर्कपूर्ण अरेंजमेंट कि उन सेंटेंस स्ट्रक्चर का सही तरीके से विश्लेषण हो, उन सेंटेंस स्ट्रक्चर का लॉजिकल अरेंजमेंट हो, तार्किक व्यवस्था अरेंजमेंट किया जाए। तो ये इसका स्ट्रक्चरल अप्रोच की परिभाषा बताई है ब्रिंगटन ने। ब्रिंगटन ने कहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो एक साइंटिफिक अध्ययन है, साइंटिफिक अध्ययन है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का, इंग्लिश लैंग्वेज के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसका अध्ययन करना, उनका एनालिसिस विश्लेषण करना और उनको अरेंजमेंट करना सही तरीके से। ये है स्ट्रक्चरल अप्रोच, साइंटिफिक अध्ययन है, उनका एनालिसिस है और अरेंजमेंट है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, आगे देखो, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर। स्ट्रक्चरल अप्रोच है टू इंग्लिश, इंग्लिश का, इज टीचिंग द लर्नर, लर्नर को सिखाना है ना, लर्नर को सिखाना है सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर से, विशेष सेलेक्ट किए गए स्ट्रक्चर्स को सिखाना। स्ट्रक्चरल अप्रोच है इंग्लिश का, वो सिखाना है किसको, लर्नर्स को सिखाना, विद्यार्थियों को सिखाना, सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर से, निश्चित सेलेक्ट किए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सिखाना इन सर्टेन ऑर्डर, विशेष ऑर्डर में, विशेष ऑर्डर में विशेष सेलेक्ट किए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिखाना, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब होता है कि सेलेक्ट किए गए स्ट्रक्चर्स को सिखाना विशेष क्रम में, कि जो सेंटेंस, जो स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट किए उन सेलेक्ट किए स्ट्रक्चर्स को सिखाना। ए डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स, अलग अलग अरेंजमेंट और नमूने ऑफ वर्ड्स शब्दों के, आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स,
स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। शब्दों के अलग अलग नमूने और उनकी अरेंजमेंट है वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के शब्दों का यूज़ करना और उनका अलग अलग नमूने यूज़ करना शब्दों का, वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर्स ये होते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। अब शब्द अलग लो यूज़ कर लो, सब्जेक्ट की जगह दूसरा शब्द यूज़ कर लो, वर्ब की जगह दूसरा शब्द यूज़ कर लो, ऑब्जेक्ट की जगह दूसरा यूज़ कर लो, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो पैटर्न है वो तो एक ही है। अलग अलग शब्दों का यूज किए जाने वाले, अलग अलग शब्दों के यूज किए जाने वाले जो नमूने हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट पैटर्न, स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट पैटर्न स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पूर्ण नमूने होते हैं, और दे में फॉर्म ए पार्ट ऑफ, और वे फॉर्म करते हैं ए पार्ट ऑफ ए लार्ज पैटर्न, एक विशाल पैटर्न के, एक बड़े पैटर्न के एक पार्ट को फॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर्स पूर्ण नमूने होते हैं, पूर्ण पैटर्न होते हैं, जो क्या करते हैं, पार्ट को फॉर्म करते हैं, लैंग्वेज पैटर्न के बड़े पैटर्न के नमूने को फॉर्म करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज यूड, लैंग्वेज को देखा जाता है एज स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स से, स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में लैंग्वेज को व्यू किया जाता है, लैंग्वेज को देखा जाता है स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में, स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में देखा जाता है, लैंग्वेज को व्यू किया जाता है स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में, स्ट्रक्चरों से संबंधित तत्वों के रूप में देखा जाता है। फॉर इनकोडिंग ऑफ मीनिंग एलिमेंट्स, इनकोडिंग, इनकोडिंग करने के लिए, इनकोड करने के लिए, देखो एक इनकोड होता है, एक डीकोड होता है। इनकोड में से अर्थ को बंद करना, डीकोड में से होता है अर्थ को खोलना, इनकोड करना मीनिंग को, मीनिंग एलिमेंट्स को इनकोड करना। बिंग फोनेम्स, फोनेम्स होने के साथ मॉर्फीम्स, मॉर्फीम्स वर्ड्स प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स टाइप्स, ये कहता है कि लैंग्वेज को स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में देखा जाता है, लैंग्वेज को स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज है इनकोड करने के लिए यूज होती है मीनिंग एलिमेंट्स को, अर्थ का जो एलिमेंट है, अर्थ का जो तत्व है उसको इनकोड करने के लिए, बंद करने के लिए यूज होती है। मॉर्फीम्स होने के साथ साथ, मॉर्फीम्स होता है द पार्ट ऑफ ए साउंड, द यूनिट ऑफ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए साउंड, साउंड की छोटी सी यूनिट मॉर्फीम्स होती है, जैसे पै बै कै गै ए, दीज आर द मॉर्फीम्स, ये मॉर्फीम्स है पार्ट, ये यूनिट ऑफ द साउंड, साउंड की एक यूनिट है फोनीम्स। और मॉर्फीम्स होता है द पार्ट ऑफ ए मीनिंग, मीनिंग का एक पार्ट, यूनिट ऑफ ए मीनिंग, किसी अर्थ का एक यूनिट वो मॉर्फीम्स होता है ना। जैसे मान लो यूजुअल है, यूजुअल इज द वन मॉर्फीम, ये एक मॉर्फीम है, लेकिन अनयूजुअल, अनयूजुअल दो हो गया, अन और यूजुअल, इसके दो मीनिंग हो गए, अन लगते ही ये क्या हो गया, दूसरा अर्थ आ गया, अनयूजुअल असामान्य होना। यूजुअल एक है, अनयूजुअल दो मॉर्फीम्स है, अनयूजुअलनेस या अनयूजुअल आगे और को याद आता है तो तीन हो जाएंगे। तो मॉर्फीम्स होते हैं मीनिंग का एक पार्ट, फोनीम्स, फोनीम्स मॉर्फीम्स वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंस टाइप्स, इन सभी का एलिमेंट लिए हुए मीनिंगों को इनकोड किया हुआ, ये स्ट्रक्चरली एलिमेंट्स होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के पास स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरली बंद एलिमेंट है जिसमें मीनिंग होता है, अर्थ होता है, क्या लिए हुए, फोनीम्स होते हैं उनमें, मॉर्फीम्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, सेंटेंस। सो लैंग्वेज को व्यू किया जाता है, लैंग्वेज को देखा जाता है ना, रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में, कौन से रिलेटेड, स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स के रूप में देखा जाता है, इस ढांचेगत पैटर्न तत्वों के रूप में देखा जाता है, जिसमें क्या इनकोड होता है, मीनिंग लिए हुए तत्व होते हैं, मीनिंग लिए तत्व होते हैं जिसमें फिनोम्स होते हैं, मॉर्फिम्स होते हैं, वर्ड फ्रेजेस, ये सब कुछ है, और लिए हुए अर्थपूर्ण इनकोड किए हुए स्ट्रक्चरली एलिमेंट्स होते हैं, इस रूप में लैंग्वेज को देखा जाता है। ठीक है, आगे देखो, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच में देयर मे बी फोर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच में चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेमली नाम से देखो चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच में देयर आर फोर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से, सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज
फ्रेज पैटर्न्स, फॉर्मूले एंड ईडियम्स पैटर्न्स, ये चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस पैटर्न होते हैं जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और फ्रेज पैटर्न, फ्रेज पैटर्न में प्रीपोजिशन और नाउन प्रोनाउन आगे जो भी आए वो होता है फ्रेज पैटर्न। फॉर्मूले, फॉर्मूले जैसे मतलब छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, छोटे छोटे फ्रेज होते हैं। ईडियम्स और मुहावरे, तो ये चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर या फ्रेज पैटर्न, फॉर्मूले एंड ईडियम्स। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ए सेंटेंस पैटर्न इज देयर फॉर ए मॉडल फॉर ए सेंटेंस पैटर्न, एक सेंटेंस पैटर्न होता है, सेंटेंस का जो पैटर्न होता है या स्ट्रक्चर होता है, नमूना होता है, इसीलिए एक मॉडल होता है, एक आदर्श होता है फॉर सेंटेंस, वाक्य के लिए एक आदर्श वाक्य होता है। उसमें होता है कि जैसे राम गोज टू स्कूल, या राम गोज टू स्कूल, या राम प्ले क्रिकेट। तो इसमें कर्ता, क्रिया और आगे कर्म। अब ये जो सेंटेंस है ये एक आदर्श सेंटेंस होगा, मॉडल सेंटेंस होगा। अब इसकी कॉपी की जाएगी, राम किसी का दूसरा लिख दो, क्रिया दूसरी यूज़ कर दो, आगे ऑब्जेक्ट दूसरा यूज़ कर दो, लेकिन ये क्या गया, मॉडल सेंटेंस हो गया, आदर्श वाक्य हो गया जिसकी कॉपी की जाती है। ए सेंटेंस पैटर्न इज देयर फॉर ए मॉडल, सेंटेंस पैटर्न होता है, एक मॉडल होता है फॉर सेंटेंस, सेंटेंस के लिए। विच विल बी द सेम शेप और कंस्ट्रक्शन, जो उसी आकार और उसी कंस्ट्रक्शन का होगा। ऑल द मेड अप ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स, यद्यपि अलग अलग वर्ड्स का बना होता है, यद्यपि वो सेंटेंस मॉडल अलग अलग का बना होता है, लेकिन उसकी शेप और जो कंस्ट्रक्शन है वो बना होता है, एक ही शेप और एक ही कंस्ट्रक्शन बना होता है। यद्यपि अलग अलग शब्दों से बना होता है, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण और शेप है वो एक ही होगा। ऐसे आदर्श सेंटेंस, आदर्श मॉडल सेंटेंस के रूप में सेंटेंस पैटर्न होता है। बिकॉज अब बोलते बोलो दे कुकड फूड, तो दे कुकड फूड, अभी एक सेंटेंस पैटर्न है, ये एक सेंटेंस पैटर्न से ये एक मॉडल सेंटेंस हो गया, ओके। अब इसमें जो अलग अलग वाला शब्द यूज हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर और शेप ही रहेगा। देख इसे ही यूज कर दो, ही प्लेड क्रिकेट कर दिया, तो पैटर्न तो वही है कर्ता क्रिया कर्म, लेकिन शब्द दूसरे यूज हो गए। तो अलग अलग शब्दों से सेम ही पैटर्न और सेम ही कंस्ट्रक्शन के, सेम शेप और सेम कंस्ट्रक्शन के जो सेंटेंस हो वो मॉडल सेंटेंस पैटर्न होता है इसमें। ये तो सेंटेंस पैटर्न। आगे देखो फ्रेज पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फ्रेज पैटर्न इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज पैटर्न शब्दों का समूह होता है। विच एक्सप्रेस है, जो व्यक्त करता है एन आइडिया, विचार व्यक्त करता है। विदाउट इट्स बीइंग ए सेंटेंस और ए क्लोज, बिना कोई सेंटेंस और क्लोज हुए, यानी सेंटेंस नहीं बनता ये और न ही कोई उपवाक्य बनता है। बिना उपवाक्य और बिना वाक्य लिए हुए एक प्रकार के विचारों का, एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, शब्दों का समूह जो विचार किसी आइडिया को व्यक्त करता है, किसी विचार को व्यक्त करता है, जो सेंटेंस या क्लोज नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए उसने बताया फ्रेजेज, कौन से फ्रेज आए, इन द हाउस, ऑन द टेबल, इन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, इन टू द ट्यूब, है ना, एटसेट्रा। तो ये हैं क्या है, ये फ्रेजेज हैं। इसमें सबसे पहले प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इससे वो फ्रेज बनते हैं। तो प्रीपोजिशन आइए, नाउन लगाओ, अब ये इस एक प्रकार का पैटर्न बन गया, फ्रेज पैटर्न, फ्रेज स्ट्रक्चर। तो उसके आधार पर अलग दूसरे फ्रेजेज बनाए जाते हैं, ओके। फॉर्मूले पैटर्न, फॉर्मूले पैटर्न आर दोज वर्ड्स, वो शब्द होते हैं विच आर यूज ऑन सर्टन ओकेजन्स, जो विशेष ओकेजन्स पर यूज होते हैं। फॉर्मूले पैटर्न वो होते हैं जो विशेष अवसर पर यूज होते हैं। ईजी उदाहरण के लिए देखो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, एटसेट्रा। दीज आर द फॉर्मूले, ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले, ठीक है। ईडियम्स और मुहावरे, लाइक मुहावरे कौन से होते हैं, लाइक रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम एक दिन में तैयार नहीं होता। हिट द आयरन वेन इट इज हॉट, है ना, आयरन को ठोको जब वो गर्म होता है ना। तो ये ईडियम्स हैं, मुहावरे हैं, केम इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी होते हैं। दीज शुड बी टॉट एज ए होल, इनको होल के रूप में, एक समूह के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, सेपरेट नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सो दिस इज द
डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच की अभी ने इसकी परिभाषा देखी अभी तक भी, वास्तव में स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, वर्ड स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर, फॉर्मूले एंड ईडियम्स, ये स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं। ओके, हैबिट फॉर्मेशन की जाती है। अब इसके सिद्धांत क्या होते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच किन सिद्धांतों पर आधारित होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन थ्री मेन प्रिंसिपल्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, कौन सिद्धांत। इम्पोर्टेंस इज गिवन टू स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर दी जाती है, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं तो इसको स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर दिया जाता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें, रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर, टीचर की एक्टिविटी की तुलना स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जबकि टीचर इसको सिखाता है बच्चों को, मॉडल सेंटेंस है वो टीचर ही बताता है कि बच्चा इन जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ही एट फूड, उसने खाना खाया, ऐसे पैटर्न के दूसरे सेंटेंस बनाओ आप, तो स्टूडेंट्स हैं वो इसी पैटर्न के सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तो एक प्रकार की उनकी प्रैक्टिस होगी, इनमें स्टूडेंट्स की टीचर की एक्टिविटी ना स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर फोकस दिया जाता है। इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन द स्पीच वर्क। स्पीच वर्क के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसका नाम ही ओरल अप्रोच है, सुनने बोलने की अप्रोच है ये, तो इसकी अप्रोच स्पीच पर इसको फोकस दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, लिखने की उस पर कम होती है जबकि इसमें इसकी अप्रोच दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है स्पीच पर। इम्पोर्टेंस इज गिवन, इम्पोर्टेंस दी जाती है इसमें इन डेवलपिंग करेक्ट लैंग्वेज हैबिट से, सही लैंग्वेज हैबिट को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है, इम्पोर्टेंस इज गिवन इन डेवलपिंग, डेवलप करने पर दी जाती है करेक्ट लैंग्वेज हैबिट से, सही लैंग्वेज हैबिट क्रिएट करने के लिए अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में, पर्टिकुलर द हैबिट्स ऑफ अरेंजिंग वर्ड से, विशेष रूप से शब्दों को अरेंज करने की हैबिट क्रिएट की जाती है इन इंग्लिश, इंग्लिश में इन ऑर्डर टू रिप्लेस, ताकि रिप्लेस कर सके सेंटेंस पैटर्न को ऑफ द पीपल्स मदर टंग, बच्चे की जो मदर टंग है उस मदर टंग के जो सेंटेंस पैटर्न है उनको रिप्लेस किया जा सके, यानी बच्चा मदर टंग को यूज ना करके इस सेंटेंस पैटर्न को यूज कर सके। एम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या एम्स है, लक्ष्य क्या है। द मेन ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टू टीच फोर फंडामेंटल स्किल्स। इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का मुख्य जो एम है वो है चार फंडामेंटल स्किल डेवलप करना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, ये डेवलप करना है चार स्किल, इसका मुख्य लक्ष्य है। मुख्य इनका लक्ष्य है लिसनिंग और स्पीकिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मुख्य लक्ष्य इस लिसनिंग स्पीकिंग है क्योंकि इसको आर्मी कैंपस में डेवलप किया था और उसका उद्देश्य यही था कि फिक्स सेंटेंस सैनिकों को सिखाया जाए ताकि वो कम से कम बोल चाल सके। इट ऑल्सो इनलार्जेज, ये इनलार्ज भी करता है वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की वोकेबलरी भी बढ़ाता है। इट को रिलेट्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ विद द लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक। देखो ये को रिलेट करता है, ये जो अप्रोच है वो को रिलेट करता है, ये संबंध स्थापित करता है टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर टीचिंग को, एंड कंपोजिशन विद द लेसन, लेसन को कंपोजिशन करने का, टेक्स्ट बुक के जो लेसन्स है, किताबों के जो लेसन्स है उनको कंपोज करने और ग्रामर पढ़ाने को रिलेट करता है, यानी भी लेसन भी पढ़ाए जा सके और ग्रामर भी पढ़ाए जा सके। इट इम्प्रूव, ये सुधारता है करेक्ट और सही करता है प्यूपिल स्पीच हैबिट, बच्चों की स्पीच हैबिट को, शिष्यों की जो स्पीच हैबिट है उसको भी ये सही करता है। मेन यही है इसकी, इसमें होता है स्पीच हैबिट फॉर्मेशन कि बच्चों के बोलने की जो हैबिट है वो बने, एक ही प्रकार के सेंटेंस बोलने बोल बोल करिए। इट मेक्स क्लासरूम इन्वायरमेंट इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल, ये है क्लासरूम इन्वायरमेंट को इंटरेस्टिंग और नेचुरल बनाता है। नहीं, इसमें तो नेचुरल वाला कुछ बात ही नहीं है कि नेचुरल बनाता है, नहीं, क्योंकि इसमें मेन होता है मेमोराइज करना, सिखाया जाता है बच्चों को, और जो मेमोराइज करना होता है वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है।
इट डेवलप्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशंस. ये डेवलप करता है, ये अप्रोच डेवलप करता है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट की रुचि इन क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन, अर्थपूर्ण सिचुएशन क्रिएट करने में सहायता करता है. अर्थपूर्ण सिचुएशन क्रिएट करने में सहायता करता है. बच्चा विशेष प्रकार शब्दों को सीखता है इसमें, है ना. सिचुएशन इसमें क्रिएट नहीं होती, सिचुएशन तो सिचुएशनल अप्रोच में होती है. इट ले ये रखता है प्रॉपर इम्फेसिस से, मुख्य जोर देता है ये ऑन ओरल ओरल अप्रोच. ओरल ओरल अप्रोच में ये जोर देता है, यानी सुनने और बोलने की अप्रोच पर ये जोर देता है. एक्टिव मेथड्स पर ये जोर देता है. एंड और कंडेमनेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर ऑफ इट्स ओन सेक, और कंडेमनेशन निंदा करता है फॉर्मल ग्रामर औपचारिक ग्रामर की फॉर इट्स ओन सेक, अपने खुद के खातिर. जो ग्रामर होती है उसकी वो कंडेमनेशन करता है, निंदा करता है. लेकिन ये सुनने और बोलने पर ये जोर देता है, ठीक है. इट ऑल्सो इनेबल्स, ये योग्य भी बनाता है चिल्ड्रन बच्चों को. इनेबल्स चिल्ड्रन बच्चों को अटेन मास्टरी स्थापित करने में, और एन एसेंशियल वोकेबलरी आवश्यक वोकेबलरी पर मास्टरी स्थापित करने में ऑफ अबाउट 300 रूट वर्ड्स, लगभग 3000 रूट वर्ड्स के साथ फॉर एक्टिव यूज के लिए, सही यूज के लिए 3000 रूट वर्ड्स के साथ ये मास्टरी स्थापित करने की कोशिश करता है. यानी 3000 शब्द देते हैं, उन शब्दों से बच्चों को मास्टरी स्थापित की जाती है ग्रामर पर, सॉरी वोकेबलरी पर. 3000 रूट शब्दों से, मुख्य शब्दों से मास्टरी स्थापित करने का अवसर देता है. इसमें मेमोराइज करने का फोकस रहता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने, आदत फॉर्मेट करना बार बार याद करके. मेरिट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच के मेरिट देखो. द मेरिट्स ऑफ दिस अप्रोच आर दैट इट कैन बी अडॉप्टेड. मेरिट्स उस अप्रोच की ये है कि इसको अडॉप्ट किया जाता है फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के सभी स्टेजेस पर इसको अडॉप्ट किया जाता है. भाषा सिखाने की जो जितने भी स्टेज है उन स्टेज पर ये अडॉप्ट किया जाता है. लेकिन सिर्फ भाषा को ही सिखाया जाता है, विशेष सेंटेंस जो इसको सिखाया जाता है ना, विशेष जो सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सिखाया जाता है, ठीक है. इट स्ट्रेसेज ऑन हैबिट फॉर्मेशन, ये स्ट्रेस देता है हैबिट फॉर्मेशन पर, आदत को फॉर्म करने में, आदत बनाने में, विशेष प्रकार के सेंटेंस को फॉर्म करने में बनाता है. थ्रू इंटेंसिव ड्रिल, प्रबल ड्रिल के माध्यम से ज़्यादा ड्रिल करवाई जाती है, बार बार सेंटेंस उसको बुलाया जाता है, याद करवा देता है. स्टूडेंट्स कल्टिवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की हैबिट. इट स्ट्रेसेज हैबिट फॉर्मेशन, इट में से यह मेथड, यह अप्रोच हैबिट फॉर्मेशन पर जोर देता है. थ्रू द इंटेंसिव ड्रिलिंग, प्रबल ड्रिलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स कल्टिवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज. स्टूडेंट्स कल्टिवेट करते हैं हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की हैबिट को कल्टिवेट करते हैं. ड्यू टू मच ओरल ड्रिलिंग, अत्यधिक ओरल ड्रिलिंग के माध्यम से, मौखिक अभ्यास के माध्यम से, बार बार बोलने के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की हैबिट कल्टिवेट करते हैं. वॉट एवर इज लर्नड इन द क्लास रिमेन्स स्टेबल, जो भी क्लास में सीखा जाता है वो स्टेबल रहता है इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के माइंड्स में जो भी सीखा जाता है वो स्टेबल रहता है, एकदम स्थिर रहता है ना. इसमें मेन तो ड्रिलिंग होती है, अभ्यास होता है, बार बार एक ही पैटर्न्स को रटा जाता है. इट प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी देता है, पर्याप्त अवसर देता है टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स, कि वो अपने विचारों को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. एंड मेक बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिव, और टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों को एक्टिव करें, विच इज़ साइकोलॉजिकली साउंड, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़िया है. टीचर और स्टूडेंट दोनों को साइकोलॉजिकली वो क्या करते हैं, साउंड मजबूत एक्टिव बनाता है, जो साइकोलॉजिकली साउंड होता है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़िया होता है. इट पुट्स मोर इम्फेसिस ऑन स्पीच, ये रखता है मोर इम्फेसिस, अधिक जोर, ये अधिक जोर देता है स्पीच पर. और ओरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का जो ओरल एस्पेक्ट है, मौखिक पहलू है, उस पर ये ज़्यादा जोर देता है.
स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड लैंग्वेज मटेरियल, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है सावधानीपूर्वक से चुने गए और ग्रेड किए गए लैंग्वेज मटेरियल को ये प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स के को प्रदान करता है ये सेलेक्ट किए गए और ग्रेड किए गए लैंग्वेज मटेरियल। मेकिंग यूज ऑफ दिस अप्रोच, देखो मेकिंग यूज ऑफ दिस अप्रोच द टीचर कैन अटेंड टू मोर और ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। इस अप्रोच को यूज करते हुए टीचर है वो अटेंड कर सकता है, प्राप्त कर सकता है मोर और ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को या लगभग सभी स्टूडेंट्स को अटेंड कर सकता है, है ना, ध्यान में ला सकता है, उनका ध्यान केंद्रित करवा सकता है, ठीक है। डी मेरिट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच की डी मेरिट्स क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच की अवगुण क्या है, देखो डी मेरिट्स ऑफ दिस अप्रोच आर, इस अप्रोच की डी मेरिट्स हैं कि इट इज, यह अप्रोच सूटेबल ओनली फॉर लोअर क्लासेज, क्यों लोअर क्लासेज की सूटेबल है। ओनली सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न्स आर टोट, केवल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न सिखाए जाते हैं थ्रू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के माध्यम से सेलेक्ट किए गए सेंटेंस पैटर्न से बताता है ये अप्रोच, ठीक है। तो ये लोअर क्लासेज के लिए सूटेबल है। इट इज रेयरली सक्सेसफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेज, ओवर क्राउडेड क्लासेज में ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, है ना। इट नेगलेक्ट्स रीडिंग ऑफ ऑल टाइप्स, ये ओवर क्राउडेड में सूटेबल हो सकता है, पैटर्न सिखाए जाते हैं इसमें। इट नेगलेक्ट्स, ये नेगलेक्ट करता है रीडिंग ऑफ ऑल टाइप्स, सभी प्रकार की रीडिंग्स को ये नेगलेक्ट करता है, रीडिंग्स को ये नेगलेक्ट कर देता है, सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर देता है। दिस अप्रोच डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द फैक्ट दैट पीपल इज लर्नर, ये जो अप्रोच है वो कंसीडरेशन में नहीं लाता, विचार में नहीं लाता, ये तथ्य विचार में लाता कि पीपल इज लर्नर, पीपल हैं वो सीखने वाले हैं, बच्चे हैं वो लर्नर है, ये कंसिडरेशन में नहीं लाता, है ना, वो सिर्फ मेमोराइज करवाने का प्रयास करता है, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन होता है, ये नहीं होता है कि बच्चे लर्न कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उनको सिर्फ मेमोराइज करवाया जाता है कि बच्चे सिर्फ याद कर ले, मौखिक ड्रिल के माध्यम से मेमोराइज कर ले, है ना। दिस अप्रोच नीड्स, ये अप्रोच की आवश्यकता रखता है स्पेशली प्लान टेक्स्ट बुक्स, ये अप्रोच है वो विशेषकर प्लान के टेक्स्ट की आवश्यकता रखता है। वेल ट्रेन टीचर्स टू क्रिएट अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, अच्छे ट्रेन टीचर ही अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर लर्निंग लैंग्वेज, भाषा को सीखने का उचित इन्वायरमेंट करने के लिए ट्रेन टीचर्स की जरूरत रहती है इसमें, है ना। वाइल टीचिंग थ्रू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के माध्यम से पढ़ाते हुए ईच स्ट्रक्चर शुड रिपीटेडली टोट, हर स्ट्रक्चर को बार बार पढ़ाया जाता है, मेनी टाइम्स कई बार विद डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्दों से इसको टीचिंग कराते टाइम बहुत से हर स्ट्रक्चर को अलग अलग शब्दों के साथ पढ़ाया जाता है। टीचर केयरफुल होना चाहिए एंड द स्टूडेंट्स गेट एडिक्यूट प्रैक्टिस, और स्टूडेंट्स को एडिक्यूट पर्याप्त प्रैक्टिस हो इन यूज ऑफ स्पेशल वर्ड्स, विशेष शब्दों के यूज हुए स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो। न्यू वर्ड्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, नए शब्दों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दे मस्ट बी करेक्टेड विद स्ट्रक्चर्स, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से करेक्ट किए जाने चाहिए। तो ये इस अप्रोच के डी मेरिट्स हैं। थैंक यू।